राधे राधे इंजीनियर्स, मैं रंजय चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गुरु जी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमारे भाई थे उन्होंने, मित्र थे, उन्होंने निकाला था अभी जो मोटर की, मोटर का जो वेट वॉल्यूम निकाला था उन्होंने, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले थे, मोटर का वेट वॉल्यूम निकाला था। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा वेट वॉल्यूम हो गया। इससे हम बताएंगे, निकालेंगे कि सीमेंट कैसे निकालते हैं, सैंड कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो हमारे मोटर में यूज होता है वो सीमेंट और सैंड यूज होता है। आपको जानकारी होगी, जानते होंगे सभी आप। जैसा कि हम इसमें, ये हमारे यहाँ पे आ गया मोटर का वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम ये हमारा 0.691 क्यूबिक मीटर आ गया। अब इसे हम ड्राइव वॉल्यूम में चेंज करेंगे, तो ड्राइव वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमारा जो ड्राइव कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है 1.33। जो हमारा जो मोटा वो जो वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.33 से, तो ये आ जाएगी हमारी ड्राइव वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ये जो हमारा टोटल। अब इसके बाद हम उसमें इसमें रेशियो लेंगे, हम 1/4 का रेशियो लेंगे। जो सीमेंट और सैंड का है, 1 सैंड हो जाएगी हमारी 4 वो जो 1 है हमारा वो सीमेंट हो जाएगा, और जो 4 है वो हमारी सैंड हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे 1/4 का रेशियो ले लिया, जो हमारा रेशियो का जो सम होगा वो 1+4=5 हो जाएगा। देखा है आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब हम निकालेंगे, यहाँ पे बाल की खाल निकालने को जा रहे हैं हम। इधर जो देखा है आपने, मैंने ये, अब निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। ये जो हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम को उठा के रख लेंगे यहाँ पे, और ये 1, ये जो 1 सीमेंट है मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, डिवाइड बाई रेशियो जो इनका, इन दोनों का रेशियो आया था। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्यूबिक मीटर में, ये हमारा वॉल्यूम है। यहाँ पे हम सीमेंट ले लेंगे, सीमेंट 1 आ गया, और जो हमारा ये जो रेशियो है वो यहाँ पे ले लेंगे 5/5। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा सीमेंट का क्यूबिक मीटर में, वो आ जाएगा, ये निकल के आ गया हमारा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है। अब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे इसे, ये जो हमारा वॉल्यूम आया है ये क्यूबिक मीटर में आया है, ये जो हमारी डेंसिटी, और अब हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में मल्टीप्लाई करने के लिए सीमेंट की डेंसिटी दे रखी होती है, सीमेंट की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारी यहाँ पे जो दे रखी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, सीमेंट की डेंसिटी मैंने यहाँ पे पहले लिख रखी थी 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारी ये आ जाएगा 2.2648 kg, ये आ गया हमारा। और अब बैग में मंगाते हैं, जो सीमेंट आती है वो हमारी बैग्स में आती है, तो बैग्स में करने के लिए, तो अभी ये हमारी केजी में आ गई, तो हम डिवाइड कर देंगे 50 से, क्योंकि 50 केजी का बैग होता है, 50 केजी के बैग से डिवाइड करने के बाद ये हमारा 5.293 बैग्स आ गए। अब उसके बाद ऐसे ही हम ये निकालेंगे सैंड की क्वांटिटी ऑफ सैंड, हम यहाँ पे ले लेंगे ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा, ये जो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। उसके बाद ले लेंगे हम सैंड, 4 सैंड का रेशियो जो 4 आ गया। उसके बाद जो डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो, 5 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे क्यूबिक मीटर आ गया। अब उसके बाद सेम ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया था, सीमेंट में किया था, सेम ऐसे केजी में सेंड करने के लिए, जो सैंड का जो हमारा वो होता है, सैंड की जो डेंसिटी होती है वो हमारी होती है 1450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा केजी में आ गया यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप। उसके बाद क्यूबिक फुट में मंगाएंगे, क्यूबिक फिट में जरूरत पड़ जाए जैसे आपको, तो क्यूबिक फिट में मंगाने के लिए वो क्या करेंगे, हम जो हमारा ये क्यूबिक मीटर में जो आया, जो सेंड निकल के आया था हमारा, ये हमारे इसे हम क्यूबिक फिट में चेंज करेंगे। क्यूबिक फिट में चेंज करने के लिए ये हमारा क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर में जो वॉल्यूम आया था वो ये लिख लेंगे। तो क्यूबिक फिट से मतलब क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फिट में चेंज करने के लिए हमारा, हम देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 क्यूबिक मीटर = 35.31 क्यूबिक फिट, तो ऐसे यहाँ पे 35.1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्यूबिक फिट में ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू, राधे राधे।